1008 श्री आदिनाथ भगवान की बोले, भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की बोले, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की बोले, विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। इष्टोपदेश में कहा है, शरीर को तपस्या के माध्यम से तपाया जाए तो शरीर को कष्ट होता है लेकिन आत्मा को सुख मिलता है। शरीर को कष्ट होता है मगर आत्मा को सुख मिलता है। और जितना जितना शरीर को सुख दिया जाए उतना आत्मा को दुख मिलता है। ये बात आपने प्रैक्टिकल करी कि नहीं करी? जैसे शादी होती है, ये बताओ कि शादी के बाद कष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? आपकी मुस्कुराहट क्या बता रही है? बहुत कष्ट होते हैं। थोड़े कष्ट होते, ज़्यादा होते हैं। मतलब शादी करी थी बड़े सुख के लिए, सुख कितना था और दुख कितना था प्रैक्टिकल बताओ मुझे तो। हैं, दुख ज़्यादा है और सुख कम है। दीक्षा लेने के बाद सुख ज़्यादा है कि दुख ज़्यादा है? क्या बात है, फिर भी आप वहाँ बैठे हो, है ना? आप प्रैक्टिकल जानते हो कि कहाँ सुख है और कहाँ सुख नहीं है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। शादी फिर भी क्यों करते हैं? ऐसा कौन सा कारण है कि इंसान फिर भी शादी करता है, अपनी करता है, अपने बच्चों की करता है? और यदि वो सुख के मार्ग पर जा रहा हो तो खींच खींच के लौटा के लाते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। फिर वो बच्चा चाहे सारी ज़िंदगी सुनाए, फंसा दिया गृहस्थी में, अब तुम ही भुगतो, मैं तो जा रहा छोड़ के। फिर चाहे वो सारी ज़िंदगी सुनाए आपको, लेकिन फिर भी शादी करते समय जिस समय फेरे पड़ रहे होते हैं उस समय सुख याद आता है या दुख याद आता है? अरे बोलिए ना, सुख याद आता है। क्या याद आता है? सुख याद आता है। जब दुख मिलेगा तब देखेंगे, अभी तो सुख की कल्पना कर लो। यदि सुख की कल्पना ना हो तो आदमी शादी नहीं कर सकता है। यदि उसके दिमाग में दुख घूम रहे हों तो फेरा छोड़ के भाग जाएगा। यदि उसके दिमाग में आगे की परेशानियां, आगे की टेंशन सताना शुरू हो जाए तो घोड़ी से उतर के भाग जाएगा। घोड़ी से उतर के नहीं भागेगा, घोड़ी को भगा के ले जाएगा, बारात छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन संसार में जिस समय शादी होती है सुख की कल्पनाएं होती हैं, बड़े बड़े सपने देखे जाते हैं, और जब वो चकचूर होते हैं, टूटते हैं, तब जो होगा सो देखेंगे, जो होगा सो देखेंगे। ये सोच करके दुख को टाल देते हैं और सुख की कल्पना में गृहस्थी बसा लेते हैं। अब गृहस्थी में क्या होता है वो आप जाने, ठीक है? अरे बोलो ना। नहीं नहीं, अच्छा ही होता है। यदि अच्छे से जी जाए गृहस्थी तो अच्छा ही होता है। शांति से जी जाए, संतोष से जी जाए, धर्म के भावों से जी जाए, और अपने भावों को, परिणामों को धर्म के साथ में करके जिया जाए तो गृहस्थी भी अच्छी है। लेकिन गृहस्थी में घुसने के बाद कहाँ शास्त्र याद आते हैं, कहाँ वो प्रवचन याद आते हैं, कहाँ वो त्याग की बातें याद आती है, कहाँ याद आता है कि सब कुछ छोड़कर जाना है? उस समय तो लगता नहीं मेरा है, मुझे ही तो करना है, मैं ही तो ये हूँ। उस समय जो ये मालकियत का भाव आता है उस समय पर धर्म भूल जाते हैं,
और ये मालकियत का भाव कौन पैदा करता है? अभिमान। कौन पैदा करता है? अभिमान। तो संसार में शुरुआत में सुख है और पश्चात में दुख है। क्या कहा मैंने? संसार के कोई भी काम में शुरुआत में सुख है और पश्चात में दुख है। धर्म के कोई भी काम में शुरुआत में दुख है और पश्चात में सुख है। ऐसा है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है ना। अब आप शॉल ओढ़े हैं, बढ़िया गर्म कपड़े पहने हैं, फिर भी सुख है कि नहीं? और हमारे भगवान के तन पे कुछ भी नहीं है, हमारे मुनिराज के तन पे कुछ भी नहीं है, सुख है कि नहीं है? मैंने सुख और शांति में अंतर बताया था। एक होता है आत्मा का सुख और एक होता है शरीर का सुख। दो तरह का सुख होता है। तो शरीर का सुख तो है मगर आत्मा का सुख नहीं है। तो स्टोप देश में क्या कहा है? जैसे जैसे शरीर का सुख बढ़ता है आत्मा का सुख घट जाता है, आत्मा का सुख घट जाता है। और जैसे जैसे आत्मा का सुख बढ़ता है तो शरीर को कष्ट होता है। श्रीमद् रायचंद जी, तो जैसे जैसे धर्म में जाते हैं, अब उपवास करो, अब कष्ट तो होगा ना। खाने की आदत आज की है क्या? कब की आदत है खाने की? जब बच्चा जन्म लेता उसको कोई काम नहीं आता, वो किसी चीज़ को नहीं पहचानता है, वो अपनी माँ को नहीं पहचानता, पिता को नहीं पहचानता, परिवार को नहीं पहचानता, उसको कुछ भी करना नहीं आता है, मगर एक काम आता है। उसको ये नहीं सिखाया जाता कहाँ से खाना पड़ता है, अपने आप ही भूख लगेगी तो रोना शुरू कर देगा। ये खाने का अभ्यास आज का नहीं है, अनंत काल का है। कब का है? अनंत काल का है। पेड़ बने तो पानी पिया, हवा खाई, है ना, और फिर लट केंचुआ बने तो मिट्टी खानी शुरू कर दी, फिर चींटी बने तो चीनी खानी शुरू कर दी, मच्छर बने तो खून पीना शुरू कर दिया, भौंरा बने तो फूलों का रस लेने लगे, और कुत्ता बिल्ली बंदर पंचेंद्री बने तो बाहर की चीज़ें खाने लगे। ये खाने की आदत आज की नहीं है, अनादिकाल की आदत है। इस आदत को छुड़ाने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। आपका मन क्यों नहीं करता त्याग करने का? जिस चीज़ के संस्कार गहरे हों उस चीज़ का त्याग करने का मन नहीं करता है। आपसे कहा जाए आप दो टाइम खाने का नियम ले लो, नहीं जी कैसे होगा, कैसे करेंगे? अभ्यास नहीं है। क्या नहीं है? अभ्यास नहीं है। फिर भी आपने सुन करके बात मान ली, समझ करके बात मान ली, धीरे धीरे आपने अभ्यास किया, वो हो जाएगा। यदि बात मानने की आदत भी हो ना तो भी बड़े बड़े काम हो जाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं, मैंने जो दीक्षा ली है ना वो भी बात मान करके ली है। शरीर बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर था, सहनशीलता कम थी, तो खुद के भाव तो होते नहीं थे दीक्षा लेने के। जो सृष्टि भूषण माता जी हैं उन्होंने बार बार कहा दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, वो रोज कहती थी, रोज कहती थी। मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। ज्यादा क्या होगी, समाधि तो होगी, हो जाएगी। मतलब बात मानने की आदत हो तो शायद कुछ काम अच्छे फिर भी हो सकते हैं। मैं अपने प्रैक्टिकल से बता रही हूँ, आपसे नहीं बता रही हूँ। बहुत सारे लोग प्रवचन सुनते हैं, शाम का प्रवचन बहुत सारे लोग सुनते हैं, और आकर मुझे बताते हैं, बोले माता जी आप प्रवचन में नियम देती हो, ये बहुत अच्छा काम करती हो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले वैसे तो हमें पता नहीं चलता कि हमें कौन सा नियम लेना है और कौन सा नियम नहीं लेना है, हमें कैसे काम करना कैसे नहीं करना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। जब ऐसा आप बताती हो और आप नियम देती हो तो हम वहीं हम टीवी के सामने बैठे होते हैं और वहीं हाथ उठा लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई ना? आने के बाद हाथ उठ जाता है, उठाना नहीं पड़ता है। और जबरदस्ती में हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ, तो उठा तो लेगा। उस 100 में से मान लो 60 ने हाथ उठा भी लिए तो 20 तो वहीं छोड़ के चले जाएंगे।
20 तो वहीं छोड़ के चले जाएंगे, 20 बाहर जाके थोड़े दिन पालन करेंगे, फिर सर्दी गर्मी बरसात शादी वादी कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया वहाँ छूटा फिर छूट ही गया। लेकिन 20-30% लोग आजीवन पालन करेंगे, रिजल्ट मिल गया। 33% में तो पास हो जाते हैं ना, है 60 ने यदि नियम लिया, 70 ने भी यदि नियम लिया और 33% ने भी पालन किया तो हमारा तो रिजल्ट पास का आ गया, 100 में से 100 आ जाए बहुत अच्छी बात है। अब रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं, नहीं मतलब मैं आपको दे रही हूँ, पालन आपको करना, रिजल्ट आपसे मिलना है। 33% भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत से लोग लेकर नियम का पालन करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं वो भी नियम का पालन करते हैं। तो धर्म के कार्य में पहले तो दुख है और बाद में सुख है, और संसार के काम में पहले सुख है और बाद में दुख है, इतना तो समझते हो ना। हाँ समझते भी हैं जानते भी हैं, मगर घर में घुसने के बाद तो याद नहीं रहता है। जिस समय सामने प्रतिक्रिया चल रही हो तो प्रतिक्रिया एक मिनट में करते हैं, एक सेकंड में प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है। जब मन शांत होने लगेगा, जब वचन शांत होने लगेगा, उसके बाद आपको ज्ञान होगा कि करना क्या है। जब तक मन और वचन में शांति नहीं रहेगी तब तक जीवन की दिशा मिलने वाली नहीं है। मन को भी शांत करना पड़ेगा और वचन को भी शांत करना पड़ेगा, तो काया अपने आप शांत हो जाएगी। भाई मन ने कहा तभी तो आप यहाँ आए ना, शरीर ने कहा था आपको कि मन ने कहा था कि जाजपुर जाना है, बोलिए। हाँ जी अशोक जी, किसने कहा था? मन ने कहा था कि वचन ने कहा था कि आपको माता जी ने बुलाया था? हाँ मन ने कहा था, हालांकि प्रेरणा मैंने करी थी कि आपको आना है ना प्रेरणा, लेकिन मन ने कहा कि नहीं जाना ही है, स्वास्थ्य भी खराब है, ठंड भी है, लेकिन मन ने कहा नहीं जाना है, माता जी ने बुलाया है। मन ने कहा, किसने कहा? मन ने कहा। और यदि मन नहीं होता तो आप यहाँ आते क्या? नहीं आते। तो सबसे पहले शांत किसको करना है, मन को या शरीर को? मन को शांत करना है। यदि मन शांत हो गया तो सारा संसार शांत है, और मन अशांत है तो सारी दुनिया अशांत है। यदि खुद के मन में शांति है तो भगवान मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, और खुद का मन अशांत है, खुद क्रोध से भरा है तो लगता है भगवान भी गुस्सा कर रहे हैं। यानी जैसे मन में भाव हो वैसा सामने नजर आता है। यदि चोर होगा और पुलिस खड़ी होगी तो सब लोग खड़े हैं, किसी को डर नहीं लगेगा, किसको डर लगेगा? चोर को, हैं? कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार की बात, ये कहावत कहाँ से चली? एक चोर ने चोरी करी, पकड़ाई में नहीं आ रहा था, तो उसके कारण से कई आदमियों को पकड़ लिया गया, उसके बीच में चोर भी पकड़ा गया। अब वो सोचा इतने सारे मैं थोड़ी पकड़ा जाऊंगा, तो उसके बाद में सबको खड़ा किया गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बताओ कि इनमें से चोर कौन है? उसने सबको बड़े ध्यान से देखा, यूं एक एक नज़र सब पे दो बार डाली, तीन बार डाली, और अकबर की तरफ मुंह करके बोला, महाराज चोर की दाढ़ी में तिनका। जो चोर था वो अपनी दाढ़ी पकड़ ली, उसने बोले महाराज ये रहा चोर। तब से ये कहावत प्रचलित हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो हर कोई जो है मन से शांत नहीं होता है। मन से शांत होने के लिए खुद को शांत करना पड़ता है। सामने वाला तुम्हें कितना शांत कर पाएगा? सामने वाला प्रवचन सुना सकता है, दिशा दिखा सकता है, लेकिन शांत होने का भाव तो तुम्हारे मन के अंदर ही पैदा होगा। तो शांत होने के लिए घर गृहस्थी में बहुत मुश्किल है, क्योंकि अशांत होने के साधन बहुत ज़्यादा हैं। घर गृहस्थी में अशांत होने के साधन ज़्यादा हैं। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, यही होता है ना।
कभी ये सामान लाना है, कभी वो काम करना है, कभी उससे मिलना है, कभी उससे बातचीत करनी है, कभी उसको माल देना है, कभी उससे माल लेना है, कभी रिश्तेदारी में जाना है, कभी शादी में जाना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है। करिष्यामि 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 स्मरेत और मरिष्यामि 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 विस्मरेत। करूँगा 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 ये याद रहता है, मरूंगा 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 ये भूल जाता है। ये करना ये करना 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 और करने करते ना मुझे दाड़म। ऐसे ही तो होता है, घर गृहस्थी के काम कभी खत्म होते हैं क्या? नहीं होते हैं। यानी कि दुख जब तक जी रहे हो गृहस्थी में तब तक दुख लगे रहेंगे। मैंने एक उदाहरण बताया था कि एक जगह मैं गई तो वो एक महिला मेरे पास आई, बोले माता जी मेरी बेटी ना बहुत परेशान रहती है। भाई क्या हुआ? उसके पति ना बहुत तेज हैं, उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। अच्छा कितने साल हो गए शादी के? शादी के शादी के तो 25 साल हो गए। कितने साल हो गए? 25 साल हो गए और बेचारी अम्मा अभी तक दुखी। चलो ठीक है, कुछ दिनों के बाद बिहार करके मैं दोबारा वहाँ पहुँची, वहाँ से चली गई, फिर दोबारा वहाँ पहुँची, फिर वही बहन जी फिर से आई, बोले मेरी ना पोती मतलब लड़की की लड़की उसकी शादी हो गई है और उसके ससुराल वाले ना उसको बहुत परेशान करते हैं। भाई क्या परेशान करते हैं? वो ऐसा है ना, उसको 9 बजे उठने की आदत है तो ससुराल वाले उसको डांटते हैं और उसकी मम्मी ने उसे शुरू से काम नहीं करवाया तो वो काम नहीं कर पाती है तो घर वाले उसे कहते तुम्हें काम नहीं आता है तो इसलिए दुखी हूँ। और वो बहुत रोई। पहले किसके लिए रोई? बेटी के लिए। फिर किसके लिए रोई? उसकी बेटी के लिए। अब 1-1.5 साल बाद फिर भ्रमण करके मैं वहाँ पहुँची, अब वो फिर आई मेरे पास, बोले माता जी मेरी बेटी की एक छोटी बेटी हुई है और उसके बॉल्ब में हार्ट में छेद है। अब वो रोने लगी, आप आशीर्वाद दो। पहले किसके लिए आशीर्वाद मांगा? बेटी के लिए। फिर उसके बाद उसकी बेटी के लिए। फिर उसके बाद उसकी बेटी के लिए और जिंदा रही तो उसकी बेटी के लिए और जिंदा रही तो। यानी ये क्रम टूटने वाला नहीं है। ये रोना तो गृहस्थी में लगा ही, जितनी जितनी पीढ़ियां बढ़ती जाएंगी उतना उतना मोह बढ़ता जाएगा। लोग कहते मेरे ना 2 बेटे हैं, मेरी बेटी नहीं है, अब घर में काम करने वाला कोई है नहीं है, यदि बस मेरी एक बहू आ जाए उसके बाद तो मैं घर ही आधा छोड़ दूंगी और मेरी दूसरी बहू आ जाए तो माता जी मैं तो आपके ही साथ हो जाऊंगी। मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ लोगों का कहा हुआ। अब कुछ दिनों के बाद उनकी एक बहू आ गई। अब आ गई बहू, अब वो जितना आती थी उससे आधा हो गया। मैंने कहा वाय क्या हुआ? बोले उसको अकेला नहीं छोड़ा जाता ना, अच्छा नहीं लगता है। फिर 2-4 महीने बाद और आधा हो गया। मैंने कहा अब क्या हुआ? अब माता जी उसकी देखरेख करना ज़रूरी है, अब घर में नन्ना मेहमान आने वाला है तो उसकी देखरेख करना ज़रूरी, और आधा हो गया। मैंने कहा चलो हो जाएगा तब तो आओगी, बस बस हो बस जाए, उसके बाद तो मैं आपके पास आधे से ज़्यादा दिन यही रहूँगी। अच्छा अब आ गया, तब तक दूसरे बेटे की शादी की सगाई वगैरह भी हो गई। अब उसके बाद दूसरी बहू आ गई, घर में एक नन्ना मेहमान आ गया और दूसरी बहू आ गई, अब जितना आती थी उससे भी आधा। अब मैंने कहा कि मामला क्या है? पहले तो बड़े सपने देखती थी मेरी एक बहू आ जाए तो इतना रहूँगी, अब दूसरी आ जाए, अब ये हालत है बेचारी 1-2 साल में एक बार आती है, अब घर में 2-3 नाते पोते हो गए, यहाँ आती उसका खुद का मन नहीं लगता है, वो कहती मुझे अपने नाते पोतों की याद आती है। ये है गृहस्थी, जहाँ घुसने के बाद निकले अस्थि उसे कहते हैं गृहस्थी। और जब भी आती हैं तब भी बेचारी रोती हैं दुखी होती हैं, मेरी बड़ी बहू ऐसी है वो ऐसा नहीं करती है, मेरी छोटी बहू ऐसी है वो ऐसा नहीं करती है, हैं वो ये नहीं करने देती है, वो ये नहीं करने देती है, वो ऐसा करती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं यानी पहले क्या सपने देख रही थी?
और हुआ क्या गृहस्थी में घुसने के बाद में है, यानी कि गृहस्थी ऐसी चीज है, ऐसी मोह का जाल है। एक बार पांव बस रख दो, जैसे दलदल होता ना, एक बार पांव रखा जाए फिर वो कितना निकलना चाहे वो निकल नहीं पाता, घुसते जाता है घुसते जाता है घुसते जाता है, वो जितना निकलने का प्रयास करेगा और घुसता चला जाएगा। और एक बार तो ऐसा आ जाएगा कि दुनिया बाहर की कोई है ही नहीं है, ये दलदल ही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है, यही मेरा सब कुछ है। धर्म भरम तो ठीक है, माता जी कह देती हैं, हमारे घर वाले कह देते हैं तो कर लेते हैं, चलो समाज वाले कह रहे हैं तो कर लेते हैं, और बाकी अंदर से जो भाव पैदा होने चाहिए धर्म करने के, अंदर से भाव पैदा नहीं होते। इसीलिए गुरु के उपदेश सम्यक दर्शन में कारण है। गुरु का उपदेश क्यों जरूरी है, गुरु के उपदेश के बिना सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि घर गृहस्थी ऐसी चीज है कि वहां घुसने के बाद भाव बनते ही नहीं है। जितने तीर्थंकरों को, चाहे वो भगवान महावीर हो या पार्श्वनाथ भगवान हो, आप देखो उपदेश सम्यक दर्शन हुआ है तो उपदेश से हुआ है। शेर की पर्याय में थे, दो मुनियों ने उपदेश दिया था। हाथी की पर्याय में पार्श्वनाथ जी थे, मुनिराज ने उपदेश दिया था, तब सम्यक दर्शन हुआ, तब मोक्ष का मार्ग मिला है। ये संसार और गृहस्थी अनादि काल से इसमें लीन है, इसके संस्कार ज्यादा हैं, इसीलिए ये सब कुछ रहने के, इसमें होने के बाद भी भाव नहीं बनते। एक कहानी सुनाते हैं ना, एक हाथी था और एक आदमी जंगल में जा रहा था, एक हाथी उसके पीछे लग गया और हाथी पीछे लगा, वह आगे आगे आदमी और पीछे पीछे हाथी। वो आदमी झट से किसी पेड़ पे चढ़ गया, हाथी ने फिर भी नहीं छोड़ा, वो उस पेड़ को हिलाने लगा। आदमी उस पेड़ से गिरने के हिसाब से गिरा तो वो डाल पे लटक गया। अब डाल पे लटका हुआ हाथी है, वो जिस डाल पे लटका है उसके नीचे एक कुआं है, उसमें चार सांप हैं, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा है, जिस डाल पे वो लटका हुआ है उसको दो चूहे काट रहे हैं, वो कभी भी डाल चूहों से कट के नीचे गिर सकती है, और एक विमान देवताओं का जा रहा है। उन्होंने कहा अरे ये आदमी तो बड़ा मुसीबत में है, चलो इसका कुछ सहायता करते हैं। जब वो पेड़ हिला तो मधुमक्खियों ने देखा कि ये पेड़ किसने हिलाया, अच्छा ये आदमी लटका है, वो मधुमक्खियाँ उसे कुछ काटने लगी। उसने ऊपर से देखा कि कुछ टपका मेरे सिर पे, उसने ऊपर देखा एक शहद की बूंद आई थी। अब देवता कह रहे हैं भाई आजा विमान में बैठ जा, नहीं रुक जाओ एक बूंद और, नीचे मधुमक्खी काट रही है, नीचे कुआं है, हाथी हिला रहा है, चूहे डाल काट रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी कहता नहीं एक बूंद और, बस एक बूंद और ऐसा करते करते विमान पर देवता बहुत देर तक खड़े रहे, लेकिन वो आदमी नहीं हिला। क्या हुआ होगा उस आदमी का, क्या हुआ होगा, कौन से कुएं में गिरा होगा, चतुर्गति के कुएं में गिरा होगा। कौन से कुएं में, चतुर्गति के, हैं देवगति, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति भ्रमण का कारण है। चारों गतियों में अभी तक घूम रहे हैं, धर्म की तो याद भी नहीं आती है, बस घर के सुख, गृहस्थी के एक एक बूंद सुख। अब दिन भर खाने का सुख कौन छोड़े, ठंड का सुख कौन छोड़े, गर्मी का सुख कौन छोड़े, बाल बच्चों से मोह का सुख कौन छोड़े। अरे बड़े जब लोग आते हैं बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे, माता जी मेरा बेटा है, अपनी बात तो कोई करता ही नहीं है, अपने लिए तो आशीर्वाद मांगते ही नहीं है, जैसे वो अम्मा ने नहीं मांगा था। वो अम्मा तीन बार आई, तीनों बार में उसने खुद के लिए एक बार भी नहीं कहा कि माता जी ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं सुखी हो जाऊं। एक बार बेटी के सुख की कामना को लेकर आई, एक बार उसकी बेटी के सुख की कामना को लेकर आई, एक बार पोती के सुख की कामना को लेकर आई, और जिंदा रही आगे तक 10-20 साल 50 साल और तो 2-4 पीढ़ी को और ले आएगी, खुद के लिए नहीं आई। यानी हम जैसे जीरो होता है ना, जीरो यदि एक लगाओ तो जीरो की कीमत है, और एक नहीं लगाया तो जीरो की कोई कीमत नहीं है। हमने एक को तो हटा दिया, एक यानी हम खुद, एक यानी
हम खुद और मोह के जीरो लगाए जा रहे, कोई कीमत नहीं, कोई साथ नहीं निभाएगा। जब भी साथ निभाएगा, खुद ही खुद का ही साथ निभाया जाएगा, कोई दूसरा हमारा साथ निभाने वाला नहीं है। तुम कितना अपना जीवन समर्पित कर दो सबके लिए, सारी जिंदगी लगा दो मकान कोठी बनाने में, बच्चों को सेट करने में, पोती पोतियों को सेट करने में, कोई काम नहीं आएगा। जब भी काम आएगा, हमारा धर्म ही हमारे काम आएगा। जिसे हम दुख मानते हैं वो सुख है, और जिसे हम सुख मानते हैं वो दुख है। और यही तो आँख खोलनी है, यही तो दिखाना है मुझे कि सच्चाई क्या है। लेकिन नहीं देखोगे, मुझे पता है, यहाँ से उठते ही सब भूल जाओगे। एक क्षण के लिए देखोगे फिर भूल जाओगे। फिर अभी बेटे का फोन आया, यदि यहाँ प्रवचन सुनते सुनते भी यदि बेटे का फोन आ जाए तो आप मुझे भूल जाओगे। ये मोह एक ऐसी चीज है कि इंसान को सच्चाई देखने नहीं देता है। कोई दूसरा कारण नहीं है, हमारा मोह ही हमारे दुख का कारण बन रहा है, कोई दूसरा कारण बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो बंधुओं, आप सब लोग बड़ी दूर दूर से आए, आप लोगों ने भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, बहुत दिनों से टीवी पर देख रहे थे, सुन रहे थे, हर लगता था भगवान कब साक्षात दर्शन होंगे। जब लोग आते हैं और जब उन कई बार तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनके अंदर की खुशी, अंदर का भाव देख करके मुझे ऐसा लगता है कि बस यही भाव इनके पाप को रोकने का कारण है, यही भाव कर्म निर्जरा का कारण है। जब आप पूरी तरह से भाव में आकर के पूरे भावों के साथ में भक्ति करते हो, यही भाव आपके कर्म निर्जरा के कारण होते हैं। उस समय आपकी इतनी निर्जरा होती है पाप कर्मों की कि आप माला फेरते हुए भी नहीं कर पाते हैं। जब तक अंदर से भाव ना हो तब तक कर्म की निर्जरा कैसे होगी। तो आप लोगों ने भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की। मैं तीन चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है आपको, सुनना है? हाँ, कहने यही सुनने तो आए हैं, हमारे गांव का भी बताओ। बिल्कुल ठीक बात है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बर्फ में गलने का और भगवान की जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का और होने वाले पंच कल्याणक का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। अब बताओ कहाँ कहाँ से आए हो? हैदराबाद? हाँ, हैदराबाद से बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। और एक बाबूलाल जी पहाड़िया का भी परिवार आता है। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में हैदराबाद का बड़ा ही महत्व है। आप गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। दिनट्टा सूरत, सूरत का अच्छा, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का बड़ा ही महत्व है। तेंदुखेड़ा, भोजन में बड़ा का, पार होने में बेड़ा का और आने वालों में तेंदुखेड़ा का बड़ा ही महत्व है। दिन हट्टा अच्छा, लगाने में चट्टा का या वो उड़ते हैं ना, तिल चट्टा बोलते, क्या बोलते हैं, तिल चट्टा बोलते हैं। हाँ, बरसात में तिल चट्टा का, बरसात में तिल चट्टा का, तिल चट्टा का और नहीं लगाने में बट्टा का और आने वालों में दिन हट्टा, दिन हट्टा का बड़ा ही महत्व है। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में बारा का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? सलुम्बर, सलुम्बर, सलुम्बर कहाँ है? गुवाहाटी। पहले सलुम्बर का बता दो। अच्छा, धरती के लिए अंबर का, धरती के लिए अंबर का और महीनों में नवंबर का और आने वालों में सलुम्बर का, क्या बताया था?
कलकत्ता। अच्छा, पेड़ में पत्ता का, बारिश में छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में बीकानेर का बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल बाटी का, राजस्थान वाले खुश हो जाते दाल बाटी के नाम से। भोजन में दाल बाटी का, ट्रेन में टीटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे, कोई बचा तो नहीं? बोले चौबीसों भगवान की।